अर्जेंटीना की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि स्पुतनिक वी सभी वैक्सीन में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि स्पुतनिक वी सभी वैक्सीन में सबसे सुरक्षित है। इस वैक्सीन से संबंधित एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। इसके अलावा स्पुतनिक लगाने के बाद भी बहुत कम इसके साइड इफेक्ट दिखे गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयरस प्रांत में लगाए जा रहे सभी कोविड 19 टीकों में स्पुतनिक वी सबसे सुरक्षित बनकर उभरी है। यही नहीं, टीकाकरण के बाद भी गंभीर साइड इफेक्ट की शिकायतें भी ना के बराबर दर्ज की गई हैं। अध्ययन में पाया गया है कि वैक्सीन लेने वालों में 47% लोगों को बुखार, 45% को सिरदर्द और 39.4% को मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द और 46.5% को टीके वाली जगह पर दर्द, जबकि 7.4% को सूजन जैसी मामूली साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा है। 28 लाख को दी गई रूसी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अध्ययन 29 दिसंबर 2020 से 3 जून 2021 के बीच किए गए वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड पर आधारित है। इस संबंध में ब्यूनस आयरस की में स्पुतनिक वी की 28 लाख, साइनोफार्म की 13 लाख और एस्ट्राजेनेका की 9 लाख खुराक लगाई गई थी। तीनों वैक्सीन से प्रति 10 लाख लाभार्थियों में गंभीर दुष्प्रभाव उभरने की क्रमशः 0.7, 0.8 और 3.2 मामले सामने आए हैं। गत 29 दिसंबर 2020 से 3 जून 2021 के बीच किए गए इस अध्ययन का उद्देश्य वैक्सीन डोज लगने के बाद होने वाले लक्षणों का पता लगाना था। भारत के इन 9 शहरों में मिल रही है रूसी वैक्सीन। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। देश में स्पुतनिक वी के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि रूसी वैक्सीन को देश के 9 अन्य शहरों में उपलब्ध करा दिया गया है। ये शहर हैं बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, बद्दी, कोल्हापुर और मिर्यालागुड़ा। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव में रूसी वैक्सीन सबसे अधिक असरदार है, जिसका दर 96.6% माना गया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।